यूपी सरकार के एक ऐसे फैसले की बात कर लेते हैं जिस पर घमासान शुरू हो चुका है। कल मुजफ्फरनगर में दुकानों को अपनी पहचान बताने का आदेश दिया गया, जिस पर सियासत तेज हुई तो प्रशासन की ओर से सफाई आई कि ये फैसला स्वैच्छिक है। लेकिन आज पूरे प्रदेश में आदेश आया कि कांवड़ यात्रा के रूट में सभी दुकानदारों को अपनी पहचान बतानी होगी। दुकान के मालिक अपनी डिटेल लिखें, जिसके बाद उत्तराखंड सरकार ने भी हरिद्वार के लिए यह आदेश जारी कर दिया, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। यूपी की कई दुकानों के बाहर नाम लिखा हुआ दिखने लगा है, लेकिन इस नेम प्लेट पर सियासत गर्मा गई है। योगी सरकार के इस फैसले पर धर्मगुरुओं में भी मतभेद है। कुछ धर्मगुरु योगी सरकार के फैसले के समर्थन में हैं, तो कुछ इसका विरोध कर रहे हैं। ये पुलिस की जो एडवाइजरी है वो इसलिए एडवाइजरी है कि हिंदू मुस्लिम टकराव ना हो, कहीं पर छोटा छोटा भी अगर विवाद होता है तो उसको कंट्रोल किया जा सके, उसको निपटाया जा सके और उसमें लोग चिन्हित हो सकें कि कहां से और किस तरीके से विवाद हुआ। मगर अखिलेश यादव ने इसको एक सियासी रंग दे दिया है और उसको हिंदू मुस्लिम दो धाराओं में उसको तकसीम कर दिया है। ये निहायत गलत नजरिया पेश किया जा रहा है। देखिए, हमें तो लगता है मुजफ्फरनगर का जो लागू हुआ है कि हर व्यक्ति अपनी पहचान उजागर करे, इस को जो है पूरे देश में लागू कर देना चाहिए। जहाँ जहाँ तीर्थ या पर्यटन स्थल है, तीर्थ स्थल है, वहाँ पे लागू करना चाहिए, क्योंकि थूक जिहाद करके लोग जो है दूसरे की हिंदू सनातनियों का धर्म भ्रष्ट करते हैं। तो कम से कम तीर्थ यात्रियों को या यात्रियों को ये पता होना चाहिए कि जिससे सामान ले रहे हैं वो कौन है। हिंदू मुसलमान से खरीद ना सके, यानी इनका सोशल बायकॉट करो, इकोनॉमिकल बायकॉट करो इनका। और ये बायकॉट जब भी होगा, जब पहचान होगी, जब मुझे पता होगा कि इस दुकान पे साजिद रशीदी खड़ा हुआ है, साजिद रशीदी इसका नाम है, तभी तो बायकॉट करूंगा ना। तो इसलिए जानबूझकर इन्होंने ये फरमान निकाला है ताकि हिंदू समझ जाए कि ये मुसलमान की दुकान है। और फिर वो आगे की बात कहने की जरूरत है नहीं कि भाई इसे सामान नहीं लेना, अगर कहेंगे तो खुलकर सामने आ जाएगी, मानसिकता वही है। बीजेपी नेता जहां आदेश को सामान्य प्रक्रिया बता रहे हैं, तो वहीं विपक्ष सरकार पर हिंदू मुस्लिम करने का आरोप लगा रहा है। किसी भी तरह का कम्युनल कंफ्यूजन किसी को क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। लाइन ऑर्डर की रिस्पांसिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की होती है और सभी सुरक्षित हों, सभी सुरक्षा के साथ अपनी श्रद्धा और अपनी आस्था को जो है वो आगे कर सके, इसलिए इसमें कहीं तरह कोई कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। जहां तक सवाल है नाम के पहचान का या नाम लगाने का, तो इस पे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये पूरी तरीके से अव्यवहारिक कार्य है और निश्चित तौर से ये अपने जो देश के अंदर, जो अपने समाज के अंदर भाईचारे की भावनाओं को ये खराब करने का कार्य कर रहे हैं, आपस में दूरी पैदा करने का कार्य कर रहे हैं। ये निश्चित तौर से इसको तत्काल निरस्त करना चाहिए और जिस अधिकारी ने, जिसने ऐसी कार्रवाई की, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जहां सरकार के इस फैसले के समर्थन में है, तो वहीं सहयोगी दल योगी सरकार के इस फैसले से खुश नहीं है। फिर चाहे जेडीयू हो, आरएलडी हो या फिर चिराग पासवान की पार्टी, सरकार के फैसले का विरोध होता हुआ एनडीए में दिखाई दे रहा है। ये राज्य सरकार का दायित्व बनता है और राज्य सरकार ने अपने दायित्व का निर्वहन किया है, मैं समझता हूँ। इस पर किसी को प्रश्न नहीं करना चाहिए। राज्य सरकार अपने लॉ एंड ऑर्डर, अपनी व्यवस्था अपने ढंग से बनाती है और उसे सबको मानना चाहिए। कोई वह उचित बात नहीं है। आप क्यों ठेली पटरी पे किसी का नाम लिखवाते हो? उनको काम करने का अधिकार है। क्या शराब पीने से धर्म भ्रष्ट नहीं होता है? मीट खाने से होता है क्या? जब हमारे माँ दुर्गे के व्रत होते हैं नवरात्रे के, तो उसमें मीट की मुमानियत है, शराब की नहीं है क्या? तो ये शराब पर पाबंदी क्यों नहीं है? ये शराब पर क्यों नहीं बोलते हैं लोग? चूंकि शराब का जो कारोबार करते हैं वो एक नेक्सस है, अब वो बड़े लोगों का खेल है और ये छोटी छोटी दुकानें जो गरीब लोग लगाते हैं, सिर्फ इन्हीं पर उंगली उठाने का काम है? नहीं, इससे बड़ी कांवड़ यात्रा बिहार में निकलती है, वहाँ इस तरह का कोई आदेश नहीं है। और फिर प्रधानमंत्री जी की जो व्याख्या है भारतीय समाज के बारे में, एनडीए के बारे में, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, ये लगाए गए प्रतिबंध इस नियम के विरुद्ध है। बिहार में नहीं है, राजस्थान से कांवड़ गुजरेगी वहाँ से नहीं है। बिहार का जो सबसे स्थापित और झारखंड का
मान्यता प्राप्त, जो सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त धार्मिक स्थल है वहाँ के लिए नहीं है। इस पर पुनर्विचार हो तो अच्छा है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर दुकानदार इसको लेकर क्या सोचते हैं, कांवड़ यात्री सरकार के इस फैसले पर क्या राय रखते हैं। ग्राउंड जीरो से इस बात को समझने की कोशिश की हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज ने।